और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग को दिव्यांग कहा तभी से उनकी सुविधाओं में भी दिव्यता देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक न्याय व आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में दिव्यांगों को करोड़ों के उपकरण भी वितरित किए गए हैं। अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे ये दिव्यांगजन कितना खुश हैं इसका अंदाजा आप इनके चेहरों को देखकर लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम की कमान जिला अलीगढ़ डीएम के नेतृत्व में सीडीओ ने संभाली और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत एलिम्को कंपनी के द्वारा लगभग 2,193 दिव्यांगों को 2,19,00,000 रुपए से ज्यादा के उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। आपको जो ये ट्राइल साइकिल मिली इससे कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लगता है। कैसा महसूस, बैठ के कैसा लगा? पैरों से चलने में दिक्कत थी तो इसे ट्राई साइकिल दी गई है और अब इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये ट्राई साइकिल जो दी गई है इससे कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। इस दौरान न्याय व अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर थावरचंद गहलोत उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है और इसमें सफल भी होंगे। वहीं जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिव्यांगों के आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा कराई जाएगी। भारत सरकार ये मानती है कि दिव्यांग जन भी मानव संसाधन का अभिन्न अंग है और इसको नजरअंदाज करके देश का सही विकास नहीं किया जा सकता है, इसलिए इन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए इनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सर्वांगीण विकास आवश्यक है और उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हम ऐसे कार्यक्रम कर किस तरीके के इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। किस तरीके के इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं? मैंने एक सब गिनती करके बताया था, किसी को छड़ी की जरूरत है, किसी को मोबाइल की जरूरत है, डेजी प्लेयर की जरूरत है, वाकर की जरूरत है, ट्राईसाइकिल की जरूरत है, केन की जरूरत है, वैशाखी की जरूरत है, इस प्रकार के उपकरण इनको उपलब्ध कराए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डीएम चंद्रभूषण सिंह का बड़ा योगदान है जिनकी वजह से अलीगढ़ में लगभग 2,200 दिव्यांग जनों को 2,00,00,000 से भी ज्यादा के उपकरण कार्यक्रम में निशुल्क वितरित किए जा सके। भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसकी तरफ से शिविर का आयोजन हुआ था जिसमें जो एलिम्को है जो कृत्रिम अंग बनाने वाली संस्था है उसका 2 अगस्त से 8 अगस्त तक यहाँ पे शिविर हुआ था। उसमें दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनका परीक्षण हुआ था और परीक्षण के बाद जिनको जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बना करके आज कैंप के माध्यम से दिखाई दिया। अलीगढ़ जनपद में शायद 2016 में ये एक बार कैंप हुआ था चिन्हीकरण का जिसमें सिर्फ 250 लाभार्थी चिन्हित हुए थे, लेकिन हमने इस बार 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक लगभग 2,000 और लाभार्थियों को चिन्हित किया। कुल मिला के आज लगभग 2,200 लाभार्थियों का चिन्हित करके उनको आज उपकरण वितरण हुआ है अलीगढ़ जनपद में, जो कि अलीगढ़ लोकसभा और हाथरस लोकसभा के दोनों के अंदर किया जा रहा है। लगभग 4,500 उपकरणों का वितरण हुआ है। सीडीओ झा ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई जिसमें दिव्यांग जनों को न सिर्फ लाने छोड़ने की व्यवस्था की गई बल्कि नुमाइश ग्राउंड में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। तो सरकार ये मानती है कि दिव्यांग जन भी भारत सरकार का अभिन्न अंग है और इसको नजरअंदाज करके देश का सही तरीके से विकास नहीं किया जा सकता। इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सर्वांगीण विकास आवश्यक है। संदीप शर्मा, अलीगढ़, हिंदी खबर। और अलीगढ़ में एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। थाना खैर के चमन नगरिया में शराब पीकर उधम काट रहे युवक को जब एक महिला ने रोकने की कोशिश की तो युवक ने महिला पर तेजाब फेंक कर जला दिया और पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर है। तो वहीं आरोपी युवक फरार है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पीड़िता का देवर है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।